बिहार के अररिया जिले में पत्रकार की हत्या के बाद से बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी इस घटना पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि पत्रकार विमल यादव की हत्या करने वालों को 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल के जरिए फांसी की सजा मिले, ये मांग जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने की है। वहीं उन्होंने विमल यादव की पत्नी समेत सभी बच्चों की सुरक्षा की मांग भी सरकार से की है और उचित मुआवजा और नौकरी देने का भी उन्होंने सरकार से आग्रह किया है। सिर्फ अपराधी नेता माफियाओं का को लाइसेंस मिलता है, सिर्फ जो पैसा देगा उसको लाइसेंस मिलेगा, जो 1 लाख रुपया देगा उसको लाइसेंस मिलेगा। आप अभी जांच कर लीजिए, डीएम जाते जाते 25-50 पर दस्तखत करता है और वो 2550 माफिया होता है, पैसा वाला होता है। 2 दर्जन से ज्यादा मुखिया की हत्या हो गई, मुखिया लाइसेंस मांगते मांगते थक गया, किसी मुखिया को नहीं, मुंह पे डाल दिया। सरपंच की हत्या हुई, मांगते मांगते लाइसेंस थक गया, किसी सरपंच को लाइसेंस नहीं मिला। विमल बाबू से निहायत शरीफ भी कोई हो सकता है, साधु को गाय को, एक ऐसे साधु की हत्या की गई है। कितने बार भीख मांगा उन्होंने, एक बार नहीं, कितने बार सुरक्षा लाइसेंस मांगा, मरने के बाद ये क्या दिखाना चाहता है पुलिस। बिहार के गया में बेखौफ बालू माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया है। वहीं इस हमले में कई पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए हैं। दरअसल एक बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ने के बाद बालू माफियाओं के द्वारा पुलिस की टीम पर हमला किया गया और रोड़ेबाजी भी की गई। अचानक हमला होने से पुलिस की टीम को पीछे हटना पड़ा। इस हमले में कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। माफियाओं ने पुलिस वाहन के शीशे भी तोड़ दिए हैं। संबंध में गया SSP आशीष भारती ने बताया कि पुलिस पर हमला करने वाले 2 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बालू लदे ट्रैक्टर की भी बरामदगी हो गई है। फिलहाल मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम डेला थाना को यह जानकारी मिली कि वहां से अवैध खनन करके उसका परिवहन करके कुछ लोग जो बालू है उसको ले जा रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए SHO डेला के द्वारा अपने अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ जब वहां पर छापेमारी किया गया तो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो कि स्थानीय वहां के निवासी थे उनके द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। उसमें पुलिस के द्वारा कड़ाई से कार्य करते हुए 2 ऐसे असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की गई है तथा 1 अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को बरामद किया गया है। इस मामले में कांड दर्ज करके जो भी इसमें शामिल लोग हैं उनको। जहानाबाद जिले के सकुराबाद थाना क्षेत्र के कंसुआ पंचायत भवन में खैरू चौक गांव का रहने वाला एक युवक अपने आधा दर्जन समर्थकों के साथ पंचायत भवन पहुंचा था और ओम प्रकाश उर्फ बड़ो यादव से अपना कोई काम जबरन करवाना चाहता था, लेकिन इसके लिए वो राजू नहीं था। कानूनगो ओम प्रकाश उर्फ बाधू यादव को बार बार कह रहा था कि जो कानून और नियमों के तहत होगा वह किया जाएगा, लेकिन यह बात हथियार लहराने वाले युवक और उसके दोस्त को पसंद नहीं आई। इसी बात को लेकर पहले युवक ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और बाद में पिस्टल निकालकर धमकी देने लगा। वह मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का पूरा वीडियो बना लिया जो कि अब वायरल हो रहा है। वहीं इस पंचायत भवन में हुए इस घटना के सामने आने के बाद जहानाबाद SP ने संबंधित थानाध्यक्ष को मामले की जांच के आदेश दिए। तो वीडियो सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है जिसमें लोगों की गुंडागर्दी साफ तौर पर दिखी जा सकती है। कानून व्यवस्था किस तरीके से, कानून व्यवस्था को लोग हाथ में लिए हुए हैं ये भी इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। यहाँ पर मामूली बात को लेकर पिस्टल निकाली जाती है और सरकारी कार्यालयों में कर्मियों से मारपीट की ये घटना निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। ये कर देंगे, आपको जान से मार देंगे, ऐसा धमकी देने लगे। तो फिर मैं वहाँ से उठ के अपने प्रभारी के कक्ष में गया उनको सूचित करने के लिए कि सर ऐसे ऐसे कोई मतलब ये लोग आके। कितना लोग आए? लगभग 12 से 15 लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो जब मैं प्रभारी के कक्ष में गया तो फिर वो उधर से आया और प्रभारी से भी बहस करने लगा कि नहीं आप जो है सो ये वो गाली गलौज करने लगा वहाँ पे। और फिर जब गाली गलौज से उसका मन नहीं भरा तो वो बाहर जाके अपने लोगों को अंदर बुलाया और सभी लोग एकाएक अंदर घर रूम में घुस गए और सब मारपीट करने लगे। उसी बीच में बाड़ू यादव ने मेरे ऊपर
पिस्टल तान दिया, तो मैं वहाँ पे सीधा एक ही जगह खड़ा रह गया। उसके बाद उन्होंने बेल्ट लाठी जो भी उनको मिला उनसे उससे मारपीट के, और जब मेरे प्रभारी द्वारा बताया गया कि पुलिस आ रही है 5 मिनट में, तो जल्दी जल्दी वो लोग वहाँ से भाग गए। जब तक रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल अंतर्गत इंद्रपुरी सहायक थाना क्षेत्र के भगवान बिघा में अतिक्रमण हटाने गई अंचल टीम के सामने ही एक अतिक्रमणकारी ने अपने ही घर पर पेट्रोल छिड़क लिया और खुद के शरीर पर भी पेट्रोल डालते देखने पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी वहां पर लोगों को देखने को मिला। बताया गया कि रोहतास जिले के भगवान बिघा में नल का निर्माण होना है, लेकिन निर्माण स्थल पर सरकारी भूमि को 3-4 लोगों ने अतिक्रमित कर लिया। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर डिहरी के अंचलाधिकारी अनामिका कुमारी दलबल के साथ पहुंची तो अतिक्रमण करने वाले लोग उत्तेजित हो गए और एक शख्स अपने ही घर के दरवाजे और सामान पर पेट्रोल छिड़कने लगा और खुद के शरीर पर भी पेट्रोल डाल लिया, लेकिन मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे आग लगाने से रोक दिया। आपको बता दें कि काफी मशक्कत के बाद अतिक्रमण को हटाया जा सका। पूरी थाने के एरिया में भगवान बिघा ग्राम में सरकार की एक योजना है जिसमें कि नाली बननी है, और इसकी वजह से अरविंद कुमार सिंह, विकास कुमार सिंह, कमलेश कुमार सिंह, जो सभी भगवान बिघा निवासी हैं, इन सब ने अतिक्रमण किया हुआ था जिसकी वजह से नाली बन नहीं पा रहा था। कम से कम 1 साल से ये योजना डिस्टर्ब था, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि वाटरबॉर्न डिजीज होने के पूरे चांसेस हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी का जमाव है, कीड़ा वगैरह सारा चीज़ दिख रहा है, तो इसे हटाना बहुत ज़रूरी था। तो फिर हमें पूरे ग्रामीण जनता का एक आवेदन मिला, फिर अतिक्रमणवाद ओपन करके पूरी कार्रवाई समाप्त करने के बाद आज अतिक्रमण हटाने। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड में पानी की समस्या को लेकर लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन पानी की समस्या होने के बावजूद भी अब तक संबंधित अधिकारी लापरवाह बने हुए नजर आ रहे हैं। सिलाव प्रखंड के सभैत पंचायत के वार्ड संख्या 17 और 18 में पेयजल को लेकर हाहाकार मचा है। गांव का ट्रांसफार्मर 4 दिनों से खराब है। जानकारी के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं और नल जल भी ठप हो गया है। ग्रामीणों को एक कुएं के सहारे अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। इस मामले में 3 दिनों से बिजली विभाग द्वारा ग्रामीणों को बरगलाए जाने की बात सामने आई है। समस्या तो 800 से हम लोग को लाइन खराब हो गया है और पानी के बिना मर रहा है पूरा गांव। एक आदमी ट्रांसफार्मर को कब्जा किए हुए है। अभी यहां पर लाइन नहीं है, लाइन यहां कट गया है। कारण क्या? ट्रांसफार्मर जल गया। अभी बदली नहीं किया गया? नहीं, जानकारी था विभाग को, विभाग को जानकारी दे के जाँच करवाए हुए हैं हम लोग। 3 रोज तो जाँच छोला हो गया। पानी कहाँ से आप लोग पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं महादेव स्थान कुआं से, सारा गांव ले जा रहा है ढो ढा के। आज अब कल कर रहे हैं कि आज बदला जाएगा, कल बदला जाएगा। पानी पीने की समस्या सारी गांव बहुत दिक्कत से कर रहा है। एक पड़ा हुआ कुआं है, उसी से उसी का पानी पी रहा है। उससे कितना आदमी को बुखार लग चुका है पानी पीने से। क्या आप लोगों को क्या मांग? हम लोग को मांग है ट्रांसफार्मर आज के आज लगे, और नहीं तो हम लोग अब रोड जाम करेंगे। समस्या तो आज